इनटू एक्स टू द एन। इसका फॉर्मूला थोड़ा बोले क्या है, कौन बोलेगा? एक्स रेज टू एम प्लस एन, एक्स टू द एम प्लस एन। ओके राइट, एक्स टू द एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? और मैं बोलूं एक्स इनटू एक्स इनटू एम माइनस एन। ओके हाउ एम माइनस एन, ये नेक्स्ट एक्स टू द एम और इसका पावर एन। ओके ये फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्स टू द पावर एम इनटू एन, एक्स टू द एम इनटू एन। ओके हाउ एक्स टू द एम इनटू एन, ठीक है। नेक्स्ट बात है, देखिए ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि बड़ा सपोज आपका ये एक्स वाई का पावर होल टू द रेम, ये होता क्या है, क्या होगा? ये एक्स का पावर एम होता है, वाई का पावर भी एम होता है। ओके इसका रिवर्स भी होता है, ऐसा भी रहता है तो उल्टा भी होता है, इसका रिवर्स भी होता है ठीक है। इसका ऐसा देता है, इसका रिवर्स भी होता है, ये देता है तो ऐसा होता है, ये कर सकते हो, मतलब ये देता है तो ऐसा भी होता है। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, एक्स टू द एक्स इंटू वाई का पावर एम, ये क्या होगा? एक्स इंटू वाई का पावर एम क्या होगा? ये एक्स का पावर भी एम इंटू वाई का पावर भी एम, इसका रिवर्स भी होता है, ऐसा देता है तो ये भी होता है, ऐसा होता है, ऐसे देता है तो ऐसा होता है, रहता है ये देता है तो ऐसे होता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए तुम्हारा सिक्स, तुम्हारा एक्स टू द जीरो कितना होता है? एक्स टू द जीरो वन होता है। ओके नेक्स्ट ये सेवेंथ फॉर्मूला है आपका, ये एक्स टू द माइनस एम, ये प्लस करना है तो क्या होगा? प्लस एम हो जाएगा। ओके ठीक है, आओ नेक्स्ट वाला। ओके ये एक्स का पावर माइनस वन, इसको प्लस करना है तो क्या होगा? वन बाई एक्स होगा ठीक है। आओ नेक्स्ट एक्स वाई का पावर, एक्स बाय वाई का पावर एम, ये माइनस एम, ये प्लस एम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये प्लस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का पावर, वाई बाई एक्स का पावर प्लस एम हो जाएगा ठीक है। ये माइनस एम को प्लस करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके ये सभी फॉर्मूला है, और भी बहुत कुछ फॉर्मूला होगा। ओके तो इतना ही फॉर्मूला है, और थोड़ा देखेंगे बाद में अगर कुछ आता है। ओके चलिए अभी इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन वन, ये 64 का पावर 1/2। ओके 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट होता है, तुम डायरेक्ट भी कह सकते हो 64 का ये स्क्वायर रूट होता है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। नहीं तो और मेथड, दूसरा मेथड भी कह सकते हो, ये 64 का हाफ है। ओके 64 को आप ऐसा लोगे, ये 2 32 आएगा, ये 2 16 आएगा, ये 2 8 आएगा, अगेन ये आपका ओके ये 2 4 आएगा, ये 2 2 आएगा, तो ये 2 का पावर कितना बन रहा है? ओके और 2 का पावर कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6। ओके ये बन रहा है 2 का पावर कितना? 6 ठीक है। कितना बन रहा है ये? ओके 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 होता है 64। ओके और ये 1/2। ओके अच्छा ऐसा हम क्या बोले थे, इसका क्या होता है? ऐसे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ओके 1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके मल्टीप्लाई होने में कट जाएगा, कितना आएगा? ये 2 1 2 और क्या 2 3 6, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना? 2 को 3 बार इनटू करोगे। ओके 2 का क्यूब कितना? 8 ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, हमारा 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, पता है कि नहीं? 8 का स्क्वायर 64 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ओके अच्छा सेकंड बिट कैसे करोगे? 32 का पावर 5,
अच्छा टू इंटू टू इंटू टू करेंगे टू टू पावर फाइव आए। देखो ये कैसे होगा, ये 32 का पावर 5 ओके सेकंड बिट 1 का सेकंड बिट ओके ये 32 का पावर 1/5 उसको रूट फाइव भी कह सकते हो ओके रूट फाइव भी कह सकते हो मतलब ऐसा कह सकते हो 32 करोगे 2 का पावर 5 आएगा थोड़ा ऐसा करोगे कर लेते हैं ये 2 का 16 2 का 8 2 का 4 ये 2 2 ओके मीन्स 5 आएगा तो 2 का 5 और ये 1/5 ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होता है इससे ये 5 into कितना 1/5 ओके देन ये तुम्हारा कट जाता है ओके ये 2 का पावर 1 दैट इज 2 आता है ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी कह सकते हो दूसरा मेथड और मेथड ओके ये 32 का क्या होता है रूट फाइव होता है ओके 32 का रूट 5 मीन्स 5 में 1 लेना है 5 2 में 1 2 लेना है 5 2 रूट फाइव जब होता है 5 2 में 1 2 लेना है जब स्क्वायर रूट होता है 2 में 1 लेते हैं क्यूब रूट होता है 3 में 1 लेते हैं तो रूट फाइव है 5 2 में 1 2 लेना है डायरेक्ट कर दोगे 2 ओके और नहीं तो ऐसा एक्सपोनेंट में करोगे 2 का और 5 आएगा ओके ऐसा कर लोगे और नहीं तो ये रूट फाइव होता है 32 का रूट 5 मीन्स 5 2 में 1 2 लेना है और स्क्वायर रूट में 2 लेना है 2 में 1 लेना है क्यू रूट में 3 में 1 लेना है ओके रूट फोर में 4 में 1 लेना है रूट फाइव में 5 में 1 लेना है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा बिट 3 कितना आएगा बीट थ्री बोलिए कितना आएगा 1 का ये बनता है कि 5 का क्यूब 125 फाइव आएगा ये 5 लेने से 5 2 10 और एक 25 5 हो गए ये 5 हो गए ये बनता क्या है 5 का क्यूब ओके ये है क्वेश्चन 125 का पावर 1/3 ओके ये 5 का क्यूब बनेगा और ये 1/3 बनेगा ठीक है। देन तुम्हारा ऐसा मल्टीप्लाई होता है ये 5 का पावर 3 into 1/3 मल्टीप्लाई होता है ये कट जाता है 5 आता है और नहीं तो ऐसा भी होता है मीन्स 125 का 1/3 मीन्स और मेथड 125 का 1/3 मीन्स एक क्यू रूट होता है जब क्यू रूट होता है 3 में 1 लिया जाता है तो आपका 3 5 में 1 5 लिया जाएगा 3 5 में 1 5 लिया जाएगा ये भी होता है और ये भी होता है जो मेथड आपको चाहिए कर लीजिए ये ऐसा 125 करेंगे 3 5 में 1 5 लेंगे क्यू रूट में 3 5 में 1 5 लेंगे ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 ओके थोड़ा रुक जाइए ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये इसका वैल्यू फाइंड करना है ओके क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 ओके सर 27 आंसर होगा फर्स्ट का इसका आंसर कितना आएगा 27 सर 27 9 को आप बनाएंगे 3 का स्क्वायर बनाएंगे ये स्क्वायर भाई 3 का स्क्वायर बनाएंगे ओके देन तुम्हारा क्या होता है ये 2 और ये 3/2 कट जाता है क्या क्वेश्चन नंबर 32 का पावर 2/5 कितना आ रहा है बोलिए 2 का पावर देखिए ओके ये कुछ समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ओके ये 32 का पावर 2/5 ओके ये 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5 लिख सकते हो ओके और 32 लोगे ना वो 2 5 तो 2 आएगा ओके 32 को तुम ऐसा बनाओगे 2 का ये 16 आएगा 2 का 8 आएगा 2 का 4 आएगा 2 का 2 आएगा 5 तो 2 आएगा ओके 2 का 5 और ये 2/5 आएगा ठीक है
एक दो तीन चार पाँच मीन्स टू का और फाइव बन रहा है। ओके नेक्स्ट बार ऐसा इंटू होता है, ओके ऐसा इंटू होता है टू का और फाइव, ये टू बाई फाइव, ओके ये फाइव फाइव कट जाता है, ओके तो नहीं टू का स्क्वायर आएगा। ओके टू का स्क्वायर मीन्स टू इंटू टू कितना होता है फोर। ओके नेक्स्ट बीट थ्री कितना आंसर आया बच्चों आप लोग का, क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा देखिए तुम्हारा सिक्सटीन है का पावर फोर है, ओके सिक्सटीन जो है टू का पावर फोर होता है, सिक्सटीन जो है टू का पावर फोर होता है, आप बना सकते हैं ये टू एट जा टू फोर जा टू टू जा टू का फोर आता है और ये थ्री बाई फोर है। ओके देन तुम्हारा क्या होता है ये टू का पावर फोर ये मल्टीप्लाई होता है ये फोर फोर कट जाता है ये टू का क्यू आएगा कितना एट। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर टू का ये एट आया। ठीक है लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 125 का पावर माइनस वन बाई थ्री, ये 125 का पावर माइनस वन बाई थ्री, 125 को बनाइए 5 का क्यूब बनेगा तो 1/5 आ रहा है। ओके हां 5 टू द पावर माइनस 1, 125 5 का क्यूब आएगा। ओके ये 3 इनटू माइनस 1/3 कट जाएगा ऐसे इनटू होता है। ओके ये 5 का पावर माइनस 1 आएगा, 5 का माइनस 1 जो है आपका 1/5 होगा। ठीक है अच्छा नेक्स्ट बच्चों बनाइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 3 आप लोग का। ओके देखिए क्वेश्चन थी देखिए ये हमारा बेस सेम होता है तो इनटू में ऐड होता है। ओके ये 2/3 इनटू कितना ये 2 का पावर 1/5, हमारा नीचे सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है ये 2/3 प्लस कितना 1/5। ठीक है नीचे सेम होता है तो ऊपर ऐड हो जाता है। ठीक है पता है तो बच्चे इनटू में ऐड होता है। ओके तो अभी देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैंसिल माइनस आएगा 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, हमारे इनटू में पावर ऐड होता है। ओके तो इसका एलसीएम 15 आएगा, ये डिवाइड कीजिए 5 आएगा, 5 टू जा 10, ये डिवाइड कीजिए 15 से 5 डिवाइड कीजिए, यहां डिवाइड किया बच्चों 5 आया, 5 टू जा 10 डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 3 और 3 ये 2 का पावर कितना आएगा 13 का कितना 15। ओके वेरी गुड देखो। ओके सर हो गया बच्चों ये इनटू में ऐड होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बीट देखिए सेकंड बीट, ये समझ में नहीं आया फर्स्ट बीट। अरे क्या बात है ये वाला हमारा फार्मूला नहीं है क्या, ये वाला फार्मूला x टू द m * x टू द n क्या होता है जब नीचे सेम है क्या फार्मूला होता है x टू द n ये ऐड हो जाता है, ये फॉर्मूला है कि नहीं जब बेस सेम है इनटू में पावर ऐड हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ पर भी वही हुआ जब नीचे सेम है पावर ऐड हो जाएगा ये और ये पावर ऐड हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ जब नीचे सेम है ऊपर का पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग जब नीचे सेम है ये पावर और ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद इनको एलसीएम में लेकर ऐड करोगे। इसे पता है तुम एडिशन कैसे होता है फ्रैक्शन का, इनका एलसीएम 15 आएगा। ओके इसे डिवाइड करोगे 3 आएगा, इसे डिवाइड करोगे 15 को 3 से 5 टू जा हाँ 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 टू जा 10, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 वन जा 3 देन 13/5 ओके 13/15 ओके। अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ जब नीचे सेम है पावर ऐड होता है। ओके सेकंड बिट देखिए। हाँ बोलिए सर, मतलब क्या जो जहाँ इंटू होगा उसका पावर प्लस होगा, डिफरेंट जितना होगा माइनस होगा। हाँ हाँ देखो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कितना है आंसर बोलो। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट का आंसर सर 1/3 कितना है सर 1/1 सर 1/7 डिवीजन 3/21। अच्छा थोड़ा देखिए ये 1/3 का क्यूब है, इसका पावर 7 है। ठीक है ये हम ऊपर लेंगे, अगर ऊपर लेंगे 3 का पावर माइनस 3 बनेगा, अगर ये ऊपर लेंगे 3 का पावर माइनस 3 बनेगा।
अभी एक फॉर्मूला में बोला था, ये आपका एक्स का पावर अगर माइनस एम है, ये वन बाय एक्स का प्लस एम होता है। ओके अगर ये माइनस एम है तो प्लस एम होता है ऐसे, और कभी कभी ऐसा है तो ऐसा नीचे था ऊपर जाएगा तो ऐसे माइनस बनेगा, ऐसे नीचे उल्टा रिवर्स है, जब ये नीचे होता है ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो यहाँ पर नीचे था ऊपर गया तो माइनस बनेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, रिवर्सली अप्लाई हुआ, ऐसे था तो ऐसे बना, ऐसे था उसको ऊपर ले, ऊपर लिए तो माइनस लगेगा। ओके ऐसे था जब ऊपर लिए तो माइनस लगेगा, यहाँ पर भी उसी तरह, ये नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा, ये वाला फॉर्मूला है। ओके देन ऐसे इंटू होता है, ऐसे इंटू होता है, ठीक है माइनस 21। हाँ इसको फिर प्लस करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, इसको प्लस करना, ये वाला फिर से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई हुआ। ओके ये नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ये आपका आंसर है। यस सर। ओके थर्ड बिट का आंसर होगा 11 टू द पावर 1/4। अच्छा अच्छा थर्ड बिट देखिए, ये तुम्हारा 11 का पावर 1/2, ये 11 का पावर 1/4, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, x का पर m डिवाइडेड बाय x का पर n, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हो जाता है। ओके तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, 11 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लीजिए 4 आएगा, इन लोग का एलसीएम लीजिए 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 वन जा 2, 4 से 4 डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 वन जा 1, देन ये आपका आएगा कितना 11 का पावर 2 माइनस 1 1/4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है सर, फोर्थ बिट का 56 टू द पावर 1/2। ओके फोर्थ बिट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बिट, अच्छा ये हमारा ये वाला फॉर्मूला गिरेगा, x का पर m, ओके y का पावर भी m, इसको कर सकते हो x इनटू y का पावर m, और इसका रिवर्स भी कर सकते हो, जब ऐसा रहता है, जब ऐसा रहता है ऐसा कर सकते हो, फिलहाल ये है ऊपर का पावर इक्वल है, ऊपर का पावर जब इक्वल है एक ही के अंदर रख सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके एक के अंदर रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऊपर का पावर सेम है तो उसको एक ही के अंदर रख सकते हो, यहाँ पर भी सेम थिंग, ऊपर का पावर सेम है उसके एक का पावर अंदर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कितना बन रहा है 56 का कितना रूट टू बन रहा है, आगे 56 का रूट टू कर दीजिए, 56 का रूट टू कितना होता है, ये 2 जा 4 और आगे ना 1 16, ये 2 4 और ये 2 7, सुने इनका निकलेगा, इनका निकलेगा इनका नहीं निकलेगा, ये 2 आएगा और ये 14 का नहीं निकलेगा, और यू कैन से ठीक है ये हमारा सर, अगर हम तो अरे ऐसे कर लो, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे कर लो, नीचे दिखाएंगे। ओके तो दिखाते रुको, ये तो ऊपर सुनिए, ये पावर ऊपर सेम था, पावर सेम था तो एक का अंदर रख सकते हैं, 56 का 1/2 रूट होता है। ओके 56 करोगे 2 में आएगा, ये नहीं निकला, 2 root 14, 14 का पर हाफ, ठीक है आपका ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन था कि तुम्हारा कि ये हमारा बनाता है, ये तरह बेस सेम है तो पावर में क्या होगा, बेस सेम है
डिवाइड में क्या होगा बेस से में तो सर ये माइनस ये माइनस होगा ओके सो होल पावर ए प्लस ओके हाँ ये हमारा बेस सेम होता तो माइनस होता है और ये प्लस भी ओके अच्छा अगर इसी तरह ये बेस सेम है तो माइनस होता है बी माइनस सी ओके और ये बी प्लस सी देवांशी ने दूसरे मेथड में किया वो भी सही है ओके ये थ्री टू द बेस सेम है माइनस होगा ओके ये सी प्लस है ओके हो अच्छा बच्चों ये मल्टीप्लाई होता है ऐसे पता है कि नहीं तुम्हें मल्टीप्लाई होता है अच्छा बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है अच्छा नेक्स्ट थिंग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या ऐसे मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके तो बी माइनस इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा ओके यहाँ पर भी देखिए आपका ये मल्टीप्लाई होगा c माइनस इंटू सी प्लस है आप सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके अच्छा जब इंटू में हमारा बेस सेम है नीचे सेम है तो पावर ऐड हो जाता है इंटू में जब नीचे सेम है तो ऊपर का एक्सपोनेंट सब ऐड हो जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है देन बच्चों ये तुम्हारा क्या होता है थ्री टू बार ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाता है ठीक है बच्चों इसी तरह आपका प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाता है माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाता है थ्री टू द जीरो दैट इज योर वन समझ में आया बच्चों समझ में आया ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड में से माइनस होता है डिवाइड में से माइनस होता है ठीक है तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखो आगे तो ये बहुत ईजी है ये ऐसे इंटू होता है ये एक्स का पावर इंटू होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हो अगे इसी तरह ये एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और ये एक्स का पावर सी माइनस इंटू सी प्लस है ओके हाँ ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है b माइनस इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है c माइनस इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ओके अच्छा जब नीचे सेम है ऊपर ऐड हो जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड हो जाता है ओके जब बेस सेम है पावर सब ऐड हो जाता है ओके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट डाउन ओके माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट डाउन माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट डाउन एक्स टू द जीरो दैट इज वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो हमारा ये क्या होता है देखो ये बेस सेम है तो माइनस होता है बच्चों ए का पावर कितना होगा माइनस होगा एक्स प्लस वन माइनस ये वाई प्लस वन तो होल टू द कितना एक्स प्लस वाई बच्चों बेस सेम है तो माइनस होगा फिर ए का पावर कितना वाई प्लस टू माइन डिवाइड में माइनस होता है बच्चों ये जेड प्लस टू ये होल टू दर कितना होता है आपका ये होल टू दर कितना वाई प्लस कितना जेड ओके नेक्स्ट ए का पावर जेड प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री ये होल टू दर कितना आपका होल टू दर कितना जेड प्लस एक्स ठीक है अच्छा बच्चों ये प्लस वन माइनस वन ये एक्चुअली मैं कर देता हूँ ये का पार ये एक्स प्लस वन ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा ये एक्स प्लस वाई बच्चों ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस वाई होगा ये माइनस वन होगा
उसी तरह यहाँ पर बच्चों a का पावर y प्लस टू, ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस होगा माइनस z माइनस टू, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस z माइनस टू। सर आप जो डॉट दे रहे हैं उसका जगह मल्टीप्लिकेशन से, हाँ डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, ठीक है। ये ब्रैकेट खोलिए, ये माइनस जेड होगा, ये माइनस टू, ओके। यहाँ पर भी सेम थिंग, ए का पार ये जेड प्लस थ्री, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ये माइनस एक्स होगा और ये माइनस थ्री, ये जेड प्लस एक्स। उसके बाद देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ए का पावर कितना हो रहा है, देखो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, ओके। यहाँ पर सॉरी ये एक्स माइनस वाई है, ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, इधर ऊपर में एक्स प्लस वाई है। यहाँ पर ए का पावर क्या होगा, देखो ये प्लस टू माइनस टू कट जाएगा, ये वाई माइनस जेड, ऊपर में वाई प्लस जेड, ओके। ये ए का पावर कितना होगा, ये प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएगा, ओके। और ये ऊपर में जेड प्लस एक्स, ये द्वारा जेड माइनस एक्स रहेगा, प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएगा। अच्छा बोलिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है, इसी तरह ए माइनस इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसी तरह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा जब नीचे से में पावर ऐड हो जाएगा, सभी पावर ऐड हो जाएगा, जब नीचे से में, नीचे से में इंटू में सभी पावर ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन ए का पावर ये प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, देन माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए का पावर जीरो हो जाएगा। ये बच्चों समझ में आया आप लोग को, किसको लिखना है, किसको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए, किसको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए सर, लिख दिए, ओके सर मैंने लिखा, ओके थोड़ा लिख दो मेरे बच्चों, ये थोड़ा देखिए, ओके भेजती आपको, ओके ठीक है कोई बात नहीं। ये x का पर a माइनस a का पर माइनस वन मीन्स वन बाई ए होता है, a का पर माइनस वन मीन्स क्या होता है, वन बाई ए होता है, ओके। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई होता है पता है तुम लोग को बच्चों, यस सर। अच्छा तो एक काम की जैसे रखिए है, देखते हैं वो कट जाएगा शायद, ओके। ये ए का पावर माइनस वन ऐसे रखिए, वो मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, ए बाई ए प्लस वन, ठीक है ये ऐसा रखिए। अच्छा ये ए का पावर माइनस वन को क्या लिखिए हम, ए का पावर माइनस वन को क्या लिखिए हम, वन बाई ए, ओके ठीक है। पता है तो सब लोग को ए का पावर माइनस वन वन बाई ए होता है। अच्छा सुनिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम ए आएगा, ए आने के बाद ये डायरेक्ट इंट होगा, ये डायरेक्ट इंट होगा ए स्क्वायर माइनस वन, ए डायरेक्ट, एक्चुअली ये तुम्हारा ऐसा होता है इसका एलसीएम ए और वन का, ऐसा एलसीएम ए और वन का, एक्चुअली ए मीन्स ए बाई वन होता है, ए मीन्स ए बाई वन होता है, ए और वन का एलसीएम ए आता है, ये वन से ए डिवाइड करोगे, वन से ए डिवाइड करोगे ए आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, वन से ए डिवाइड करोगे ए आएगा, ए फिर ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, और ए से ए डिवाइड करोगे, ए से ए डिवाइड करोगे वन आएगा, वन इंटू वन ये होता है, ओके। और ये वन बाय कितना, ए माइनस वन, ओके ये मल्टीप्लाई होता है, ये ए बाई ए प्लस वन पता है ऐसा मल्टीप्लाई होता है। अच्छा अच्छा बच्चों नेक्स्ट तुम्हारा देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस वन जो है तुम इसको तुम ये कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस वन होगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन बाई क्या ए, बच्चों
द्वारा ए स्क्वायर माइनस वन जो है ये समझो बच्चे, ये एलसीएम लिया गया, ये ए स्क्वायर माइनस वन आया और ये इंटू होता है, ये भी इंटू होता है, ये भी सभी तीनों इंटू होता है, ओके ये सभी इंटू होगा, ओके ए स्क्वायर माइनस वन को क्या किया, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन ऐसे इंटू इंटू होता है, तो ये भी इंटू कर दीजिए, ये भी इंटू कर दीजिए बच्चों, आपका ये इंटू होता है ठीक है, इसका एलसीएम लिए, ओके ये जो आए ये सब इंटू होगा, अब देखिए कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन करके ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन के, अब देखिए काट दीजिए ए प्लस वन से कट जाएगा, ए और ए से कट जाएगा, ए माइनस वन से कट जाएगा, ये एक्स का पर वन रहेगा, दैट इज एक्स, यहाँ पर आपको ए का पार माइनस वन मीन्स वन बाई ए होना है, इसका एलसीएम ए लोगे तो ए स्क्वायर माइनस वन आएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बाद ये सब इंटू होता है, ये भी इंटू होगा क्योंकि ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है तो इंटू होगा, ये तीनों इंटू होगा, ये तीनों इंटू होगा, ओके कट जाएगा ठीक है।